हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मोहित गुप्ता है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजी टेक्निकल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एमएस एक्सेल में कि आप अपनी अपने एक्सेल शीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपको एक किसी फाइल में ले चलता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा एक फाइल है, तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक ये सीट है और मुझे इसे प्रोटेक्ट करना है सीट को। तो प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने होम पेज पे जाएंगे। होम मतलब आपको जो होम टैब है एक्सेल में, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद अब ये राइट साइड में आपका सेल वाला कॉलम है, सेल वाला, सेल पे जाएंगे और सेल पे आप जाने के बाद ये फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद लास्ट में नीचे आएंगे, नीचे थर्ड ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करेंगे आप। इसके बाद आप इसमें पासवर्ड डाल देंगे, कोई भी पासवर्ड डालना हो पासवर्ड डाल देंगे, ओके कर देंगे। तो ये आपके ओके करते ही दोबारा कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है, कंफर्म डालिए, फिर ओके कर दीजिए। कंफर्मेशन नॉट, एक मिनट गया, कुछ पासवर्ड गड़बड़ हो गया है। तो ये देखिए पासवर्ड मैंने इसको डाल दिया है, वह ओके कर दिया इसको मैंने। इसको ओके करते हुए देखिए आपकी पूरी सीट प्रोटेक्ट जाएगी। पूरी ये सीट आप कहीं भी क्लिक करेंगे, कहीं भी एड करना चाहेंगे तो आपको एड नहीं आएगा। ये देखिए लिखा हुआ है अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। जो आपके पासवर्ड है पासवर्ड डालेंगे, कहीं भी आप चेंज कर जाएंगे तो चेंज नहीं होगा। आप जो यहाँ से देखेंगे, चाहे तो आप यहाँ चेक करके देखेंगे, यहाँ भी चेंज नहीं होगा। तो इसको चेंज करने के लिए आपको उसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अनप्रोटेक्ट करने के लिए आप वहीं पे जाना पड़ेगा, फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। ये अनप्रोटेक्ट दे रहा हुआ है, अनप्रोटेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे सीट पे, ये आपका अनप्रोटेक्ट से आएगा। पासवर्ड डालना पड़ेगा, आपको जो पासवर्ड डाला हुआ है ओके कर देंगे। अब इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, देखिए जैसे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ओके। और यदि हम चाहते हैं कि इसमें क्या, हम कुछ परमिशन देना चाहते हैं कि इसमें मुझे किस सेल चाहिए कि कोई भी चेंज कर सके और बाकी चीज़ चेंज ना करे। जैसे कि मान लीजिए मुझे डेट पे, ये डेट मुझे चेंज होनी है, या मान लीजिए मुझे सेल का है या ना नेम है, या मान लीजिए नेम को चेंज करते रहना चाहिए। तो नेम को चेंज करने के लिए आप नेम को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे। फॉर्मेट जाने पर ये लॉक सेल है, इस पर क्लिक करेंगे, लॉक सेल क्लिक करेंगे तो आपकी ये सेल है, ये आपकी हो गई अनलॉक। ये देखिए मतलब ये सेल आपकी पूरी लॉक हो गई अच्छे से। अब इसके बाद आप प्रोटेक्ट पर जाएंगे, फिर से फॉर्मेट जाएंगे, प्रोटेक्ट सीट पर करेंगे, पासवर्ड डाल देंगे जो डालना हो पासवर्ड, ओके कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म पासवर्ड डाल दिया मैंने, ये हो गया ओके। और अगर बाहर आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो बाहर कहीं भी काम नहीं करेगा। ये आपके इस नेम में, नेम की ही आपका जो अनलॉक है, यही आपका अनलॉक है। इसमें आप डबल क्लिक करेंगे इसमें चेंज हो जाएगा और बाकी किसी भी जगह पे किसी भी सेल में चेंजमेंट नहीं होगा। और देखिए ऊपर आप कहीं भी देखेंगे, ऊपर आपको कोई भी चीज़ हाईलाइट नहीं हो रहा है सेल पे। किसी भी सेल पे क्लिक करने पे कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हो रहा है, इस पे हाईलाइट नहीं करेगा। बस में आपको एक टाइप चेंज करने बोलेगा और फॉन्ट देगा, और इसके अलावा आपको कोई हाईलाइट नहीं करेगा। ये कॉलम ऊपर जितने टाइप से कोई भी हाईलाइट नहीं कर रहा है कि आप उसमें कोई फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप प्रोटेक्ट करना हटाना है, कैसे आप हटाना है, आप फॉर्मेट पर जाएंगे, ये अनप्रोटेक्ट सीट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे, पासवर्ड डाल देंगे, ओके कर देंगे। तो ये आपकी हो जाएगी अनप्रोटेक्ट सीट, मतलब आप इसमें आप कोई भी चेंजमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और बाकी अन्य लोगों को हमारी वीडियो को शेयर करें।